हेलो दोस्तों so, ये वीडियो को ना बहुत लंबे समय से बनाना चाहती थी पर फॉर सम रीजनस हमने स्किप कर दिया पर आज मैं आ गई हूँ आपके साथ शेयर करने के लिए बहुत ही प्यारी प्यारी टिप्स अगर आप मुझे लंबे समय से देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि मुझे रोमोटाडार्थराइटस है जो कि एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है Uh, जो कि डायग्नोज़ हुआ था 2019 में और मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी एक दिन अचानक आपको पता चलेगा कि uh, कल से आपसे आपकी बेसिक चीज़ें भी नहीं होंगी लाइक ब्रश uh, करना ओठे के इधर उधर जाना सारी चीज़ें बहुत ही मुश्किल हो गई थी और मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे मैं चीज़ें मैनेज करूँगी सो so, ऐसे ही शुरुआत हुई मेरे रूमटर एर्थराइटस की सो रोमोटर आर्थराइटस का कोई क्योर नहीं है उसे पूरा जड़ से फिनिश नहीं किया जा सकता है बट येस yes, उसका ट्रीटमेंट है उसे अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जा सकता है और उसका रिमिशन भी होता है और जिसमें आपकी जो डिज़ीज़ है वो बिल्कुल कंट्रोल में होती है और कोई भी साइन नहीं आता है आपकी सेहत भी बिल्कुल अच्छी रहती है रिमिशन का मतलब है कि वो शांत हो गया है कुछ समय के लिए और फिर वो वापस भी आ सकता है और वो रिमिशन दस पंद्रह बीस पच्चीस साल का भी हो सकता है बाहिदा मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ मुझे जितना मेरी डॉक्टर बताती है वही इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ या जो मेरे साथ होता है मैं वही शेयर कर सकती हूँ ये इंफॉर्मेशन गलत भी हो सकती है बट मैं आपको अपनी ही स्टोरी बताऊँगी या जो मुझे मेरे डॉक्टर ने गाइड किया है वही बताऊँगी ये है कि आप लाइफ के साथ अपनी डिजीज़ को मैनेज रख सकते हैं कि अंडर कंट्रोल रहे फिर धीरे धीरे आपकी दवाइयाँ भी बंद कर दी जाती हैं और इसकी एक्चुअली कोई ऐज नहीं है ये अब बहुत बार बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये बुढ़े हो के ही आपको ये डिज़ीज़ होगी ये कभी भी हो सकती है मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि उनको 15 में हो गई थी 14 में हो गई थी 16 में उनसे पढ़ा भी नहीं गया कॉलेज भी नहीं जाया गया सो कभी भी हो सकती है ये डिज़ीज़ सो मैं मेरी डिज़ीज़ को अंडर कंट्रोल कैसे रखती हूँ Uh, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी पर uh, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मेरी सारी चीज़ें नॉर्मल रहें बट फिर भी बिच बिच कोई ऐसे दिन आ जाते हैं जो मेरे लिए अच्छे नहीं होते Uh, so, सो ऐसा नहीं है कि मैं पूरी डेफिनेटली हंड्रेड परसेंट अंडर कंट्रोल हूँ कई कई दिन मेरे बुरे भी होते हैं बट या पहले से मेरी हालत बहुत ज़्यादा बेहतर है सो so, रोमोटार्थराइट एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें आपका इम्यून सिस्टम को पता नहीं चलता है कि अपना कौन है और पराया कौन और वो अपने ही बॉडी को हार्म करना शुरू कर देता है मेरे केस में है कि उसने मेरे जॉइंट्स को हार्म करना शुरू कर दिया जिसमें मेरे जॉइंट्स में पेन होना शुरू हो गया वो कोई मेजर ऑर्गन्स को भी कर सकता है किसी चीज़ को भी सो so, आपका इम्यून सिस्टम दूसरे बंदे से लड़ने की बजाय आप ही के साथ लड़ना शुरू कर देता है इसके रीज़न्स uh, uh, ये भी हो सकते हैं कि आपके जेनेटिक्स uh, जेनेटिक्स की वजह से भी हो सकता है और कोई अननोन रीज़न भी हो सकते हैं जिससे आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको ये चीज़ क्यों हो गई है सो so, ये तो है रोमोटाड आर्थराइटर्स इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप डॉक्टर से ले सकते हैं या फिर गूगल पे ज़्यादा अपने आप मेहनत मत करें क्योंकि फिर आपको गलत इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है और अगर आप छोटे दिल वाले बंदे हैं तो फिर आप वो सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर लेंगे आ, मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अगर आप कोई चीज़ को अट्रैक्ट करेंगे ना अपनी ज़िंदगी में वो डेफिनेटली आ जाएगी तो मचाती हुई सो वो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए सो गूगल की मदद काट लें किताबों की मदद ले सकते हैं क्योंकि वो किसी समझदार बंदा नहीं लिखी होंगी किसी अच्छे डॉक्टर की किताब पढ़ सकते हैं सो so, मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ है और मैं काफ़ी इन्वेस्टिगेटिंग किस्म का इंसान हूँ अगर मुझे कोई चीज़ को जानना होता है तो मैं उसकी सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना चाहती हूँ तो हम इस समय कैलगरी अल्बर्टा में रह रहे हैं पहले हम ऑनटरियो में थे और मेरे घर के नज़दीक जो दो तीन लाइब्रेरीज़ थी उसमें जितनी भी किताबें होंगी वो मैं मैंने सारे पढ़ ली क्योंकि मुझे था कि मुझे मेरे अपने आप को फ़िक्स करना है मैं कैसे करूँ डाइट से लाइफ से स्परिचुअलिटी से सो so, उनमें से जो भी मैंने जिंदगी का तत्व निकाला है बहुत सारे मैंने पन्ने काले करिए है, लिए हैं अपने लिए लाइक जर्नलिंग कर करके सो so, सबसे पहला है कि अगर आपको रोमोटाथराइट है, है तो आपको नींद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जब आप सोते हैं ना तो आपकी बॉडी खुद से ही हील करती है अपने आप को सो so, खूब अच्छी तरह सोएं अपने सोने से कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत करें लाइक फ़ोन पे समय स्पेंड करते हैं टीवी देखते हैं नहीं टाइम रखें कि आपको साढ़े नौ बेड पे जाना है और सुबह इतने बजे उठना है तो वैसे ही करें मैं ज़्यादातर साढ़े नौ बजे बेड पे चली जाती हूँ एक तो मेरा सन स्कूल जाता है उसकी वजह से और कोशिश होती है कि टी ज़्यादा नहीं देखूँ मैं बेड पर हों ताकि मुझे अच्छी नींद मिले वैसे नींद का कंसर्न मुझे काफ़ी ज़्यादा है अभी भी बहुत अच्छी नींद मुझे आती नहीं है पर मेरी कोशिश होती है कि अच्छा स्लीप हाइजीन फॉलो करूँ ताकि मेरी बॉडी को पता चले कि अब उसे सोना है एंड अगर मैं तीन चार घंटे भी अच्छी डीप स्लीप में आ जाऊँ तो अगला दिन मेरा बहुत अच्छा होता है और बहुत बार होता है कि मुझे अच्छी नींद नहीं आती है तो फिर मेरा अगला दिन ख़राब जाता है सो so, नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल मत करें सुनने में शायद लगे कि अड्डी वो डिगड़ी गला बट नींद इतनी इंपॉर्टेंट है उसकी वैल्यू आपको तब पता चलती है जब आपको नींद नहीं आती है फिर आप डिफरेंस देख सकते हैं कि जिस दिन मैं सोई थी उससे बाद मेरा अगला दिन कैसा था और जिस दिन मैं नहीं सोई थी उसके बाद अगला दिन कैसा था बॉडी इतनी ज़्यादा स्ट्रेस हो जाती है कि हर एक हर एक दूसरे जॉइंट में पेन होती है सो so, सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सो so, अगला है लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है ये आपको वही मिलेगा जो आप अट्रैक्ट करें अपनी ज़िंदगी में सो so, सोते समय कुछ ऐसा सुने जिससे आपको लगे कि मैं इतने काबिल हूँ कि मैं अपनी बॉडी को हील कर सकता हूँ एक वीडियो का लिंक छोड़ूंगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लेडी है जिसका नाम है लुइस है उसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे एक वीडियो बनाई है कैसे अपनी बॉडी को आप हील कर सकते हैं उसने कहा है कि वो आप किसी भी डिजीज़ को हील कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो क्योंकि हाँ हर एक बंदे को हक है अच्छी ज़िंदगी जीने का हेल्दी ज़िंदगी जीने का और जब कोई डिज़ीज़ आपको आती है वो बिना रीज़न से नहीं आती है हर एक डिज़ीज़ का कोई ना कोई रीज़न होता है सो so, जब आप अपने आप को हील करना शुरू करते हैं वो डिजीज़ धीरे 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 चली जाती है सो सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ मैं और उस वीडियो को रोज़ रात को सुनती हूँ मैं काफ़ी महीनों से और मैंने देखा है कि अगला दिन मेरा बहुत फ्रेश एंड प्रोडक्टिव होता है सो वैसे तो उसने कहा है कि एटलीस्ट तीन महीने सुने मुझे लगता है कि मैं सालों से सुन रही हूँ आप एक यकीन नहीं मानेंगे क्या खा रही हूँ विटामिन सी आप यकीन नहीं मानेंगे कि लॉ लॉफ अट्रैक्शन इतना अच्छा काम करता है ना अगर आप बिलीव करें ना किसी चीज़ पर तो वो सच हो जाती है आ, कहते हैं ना कि थाट्स आपकी चीज़ बन जाती है अगर आप थाट्स अच्छे क्रिएट करेंगे ना वो सच्चाई बन जाती है सो so, अट्रैक्ट करें अच्छा अपनी ज़िंदगी में कि आप बिल्कुल हेल्दी हैं और अगला है मेडिटेशन मेडिटेशन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपके ब्रेन को काम करने के लिए आपकी बॉडी को काम करने के लिए आपको काम करने के लिए और आपकी हीलिंग में सो so, दो साल पहले तक मेरे पास एक थेरेपिस्ट थी जो कि कैनेडा में रूमटर आर्थराइटिस सोसाइटी आपको प्रोवाइड करती है उससे आप बातचीत कर सकते हैं एक घंटे तक और आप उससे हर कंसर्न अपना शेयर करें और वो बताएंगे कि क्या क्या आपको करना चाहिए जब उसको मैंने बताया कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन करती हूँ मैं मेडिटेशन uh, कर रही हूँ वो कह रही तुम सारी वो चीजें कर रहे हो जो तुम्हें करनी चाहिए सो so, उसने और भी मुझे कई सारी चीजें बताई मेडिटेशन को लेकर कि आउटडोर जाके फाइव सेंस वाली एक्सरसाइज करनी है कुछ चीज टच करनी है कुछ स्मेल करना, करना है कुछ फील करना है ताकि तुम्हारा तुम्हारी डिजीज से ध्यान हट के इन चीजों पर डाइवर्ट हो जाए सो so, मेडिटेशन बहुत ज्यादा इफेक्टिव है फॉर मी मैं सदगुरु को फॉलो करती हूँ एंड लास्ट दो मंथ से मैं शंभवी महामुद्रा कर रही हूँ जो कि मुझे बहुत ही मज़ेदार लगती है बहुत काम उसमें डिफरेंट योगा के आसन होते हैं एंड कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं एंड कुछ ध्यान लगाना है सो so, वो मैं कर रही हूँ उसके बारे में ज़्यादा मैं आपको नहीं बता सकती हूँ वो किसी गुरु से ही आप इनिशिएट हो सकते हैं सदगुरु से एंड अगर आप ये करना चाहते हैं अदरवाइज़ आप कोई भी मेडिटेशन की गाइडेड मेडिटेशन की वीडियो प्ले करें यूट्यूब पे और उसको फॉलो करें डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा बस आपके दिल में शक नहीं होना चाहिए आपको अपने आप को हील करने की इच्छा होनी चाहिए Guys, ये मल्टीपल चीजें हैं जो कि आपकी हीलिंग में हेल्प करती हैं ये ऐसे कुछ नहीं है कि आपको कोई हरे रंग की पुड़ी देगा कि पानी में घोल के पी ले और उससे आप ठीक हो जाएंगे जो भी ऐसी वीडियोज बनाते हैं वो सारी फेक है येस yes, वो थोड़े समय के लिए चीजें इफेक्टिव हो सकती हैं बट ये बन चॉफ लाइफ के चेंजेस आपको हेल्प करेंगे हील करने के लिए आप मुझे देख सकते हैं मेरी पहला की हालत और आपकी हालत ये सारी चीजें टुगेदर काम करती हैं। अगला है स्ट्रेचिंग जैसा भी आपकी बॉडी में पेन है उसके हिसाब से अपनी हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग करें आपको ओवर द टॉप करने की जरूरत नहीं है कि आपको बॉडी बना के पता नहीं स्टेज शो पे जाना है आप हल्का फुल्का अपनी बॉडी को बिना हार्म किए हल्का फुल्का स्ट्रेच करें योगा करें एक्सरसाइज करें, वॉक करें कुछ भी एक्टिविटी करें जो जिसमें आपकी बॉडी को पेन नहीं हो रही है सो so, उससे आपकी बॉडी को रिलीफ मिलेगा काफ़ी अच्छा है अभी ये जो शंभ महामुद्रा है उसमें भी काफ़ी सारे स्ट्रेचिंग के एक्सरसाइज हैं जो मुझे बहुत हेल्प करते हैं कमर के लिए लाइक शोल्डर की पेन के लिए थोड़ी मोटी सी स्ट्रेचिंग जरूर से करें एंड ऑल्सो स्ट्रेचिंग के साथ मसाज भी बहुत हेल्प करता है अगर आपके पास कोई बंदा है जो आपकी मसाज कर पाए तो बहुत अच्छा है अच्छा सा कोई ऑयल लें मैं ऑर्गेनिक सज में सीड ऑयल यूज़ करती हूँ क्योंकि वो गर्म होता है और आपकी यू नो हड्डियाँ चूस लेती हूँ उससे बहुत रिलीफ मिलता है बहुत बार मेरे हस्बैंड मेरी मसाज uh, कर देते हैं मेरी आर्म्स की लेग्स की या कमर की और नहीं तो मैं सन वाले रूम में बैठ के अपने आप ऑयल्स से अपनी लेग्स की मसाज कर लेती हूँ अपनी जॉइंट्स की कर लेती हूँ मसाज बहुत इफेक्टिव है ऐसे टेंशन रिलीज हो जाती है उस जॉइंट से जहाँ पर आप मसाज कर रहे हैं अगर आप बाहर से करवा सकते हैं तो बहुत अच्छा है मसाज बहुत हेल्प करेगा आपको सो so, जरूर से ट्राई करें मसाज स्ट्रेस को रिलीव करना है उसके लिए बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं ये मसाज मेडिटेशन ये सारा कुछ एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग ये स्ट्रेस को रिलीव करता है जब भी वो स्ट्रेस कर देना, आप मैंने देखा है कि जिस दिन मुझे स्ट्रेस होगा ना उसके अगले दिन ही मेरे जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है स्ट्रेस इतना कमाल का काम करता है ना आपकी ज़िंदगी को खराब करने के लिए आप यकीन नहीं मानेंगे स्ट्रेस बहुत सारी चीज़ों की जड़ है वो स्ट्रेस कोई नन्ना बन्ना हो सकता है जैसे मुझे ऑर्गेनाइजिंग का स्ट्रेस हो जाता है क्लीनिंग का हो जाता है या कोई और काम से रिलेटेड हो जाएगा उसके अगले दिन ही मेरे जोड़ों में बुरा दर्द होना शुरू हो जाएगा कुछ दिन पहले मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस थी एंड मेरे कमर में दर्द होना शुरू हो गया इतना बुरा दर्द हुआ कुछ भी नहीं किया था मैंने या थोड़ा बहुत मैंने काम किया होगा क्लीनिंग का पर वो पेन मेरे Uh, कमर में सात आठ दिन के लिए रहा सो so, स्ट्रेस बहुत ही बुरा दुश्मन है आपका सो स्ट्रेस रिलीविंग चीजें करें uh, उसमें एक है आप गर्म पानी का बाथ ले सकते हैं अपने पैरों को भिगो के रख सकते हैं गर्म पानी में या कुछ ऐसे स्पोर्टिंग ग्रुप्स ज्वाइन करें जहां पर आपको जो भी स्ट्रेस है जो भी आपके दिमाग में चल रहा है उनको बता दें वो आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे उससे बहुत हेल्प होगा आपको ऐसे लगेगा कि आप अकेले नहीं है कोई से भी आपको प्रॉब्लम है फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप्स हैं सो रोमोटाइड आर्थराइटिस हेल्प ग्रुप सर्च करें आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी तो ज्वाइन करें एंड उनके साथ डिस्कस करें उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं और रीड करें कोई सी भी किताबें जो आपको सूद करती हैं काम करती हैं या फिर अपनी डिजीज के बारे में भी रीड कर सकते हैं पर अगर आपका दिल छोटा है और आपको चिंता होनी शुरू हो जाएगी तब मत रीड करें सो ऐसा ही करें जिससे आप काम रहें एंड जर्नलिंग करें जो भी आपको फील होता है उसको लिखें डायरी पर जितना आप लिखेंगे ना वो सारा आपके दिमाग से निकलता जाएगा और स्ट्रेस रिलीव होगा जर्नलिंग बहुत इफेक्टिव है आप करके देखना बहुत मज़ा आएगा एटलीस्ट टास्क ले लेंगे मैं दस दिन के लिए जर्नलिंग करूंगी तो so, देखना कि कितना अच्छा फील होता है उसके बाद और फिर आदत भी पड़ जाएगी लिखने की फिर आपको लगेगा कि मैं यार दिमाग में दिमाग से मैंने चीजें निकाल दी हैं अब उनकी दिमाग में कोई जरूरत नहीं है अदरवाइज तो हम भरते रहते हैं भरते रहते हैं आलतू फालतू चीज़ों से जिसकी हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है सो so, जरूर से जर्नलिंग ट्राई करें अगला है कि डाइट डाइट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इस डिज़ीज़ में सो so, आपको खाने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कोई भी ऐसी चीज़ें मत खाएं या बहुत कम क्वांटिटी में खाएं जो फ्राइड है जो नकली हैं जो पैकेट्स में से निकलती हैं जो यू नो कैन में आई हैं खूब सारी खूबसूरत पैकेजिंग में होती हैं होल फूड्स को ज़्यादा खाएँ और लाइक फ्रेश फ्रूट्स फ्रेश सब्ज़ियाँ हमारी जो इंडियन रोटी है बेस्ट है पर थोड़ी खाएँ पोर्शन का कंट्रोल करके रखें एक रोटी खाएँ थोड़ी सी सब्जी खाएँ एंड uh, राइस खाएँ हमारी कोशिश होती है कि हम राइस ज़्यादा खाते हैं रोटी अगर हमारे हफ्ते में ट्वेंटी वन मील्स हैं तो उसमें रोटी हम तीन या चार बार ही खाएंगे पूरे वीक में काफ़ी स्ट्रेंज लगता है पर यह हम रोटी के इतने बड़े फैन नहीं है बहुत कम रोटी खाते हैं और मेरी कोशिश होती है कि मेरी बॉडी ज़्यादातर फास्टिंग स्टेट में ही रहती है बहुत टाइम मैं अपने पेट को खाली रखती हूँ क्योंकि अगर आप फास्टिंग में रहते हैं ना इस डिज़ीज़ में तो आपकी बॉडी को बहुत समय मिलता है अपने आप को हील करने का अगर आप पेट भर के रखेंगे वो सारा उसकी जो एनर्जी है वो कंज्यूम होती रहती है उसको डाइजेस्ट करने में सो so, फास्टिंग मुझे बहुत हेल्प करती है आप भी ट्राई करके देख सकते हैं पंद्रह सोलह घंटे की फास्टिंग करें रात को जो आपने मील खाना है वो मैक्सिमम सात बजे से पहले खा लें ताकि जब आप सोने के लिए जाएं आठ नौ बजे आपका पेट ऑलमोस्ट खाली हो और जो रात को चीज़ें खाते हैं वो भी हल्की होनी चाहिए अगर हल्की नहीं है तो फिर पक्े सो जाए पक्े सोना मच बेटर है ताकि अगले दिन दर्द पेन के साथ उठ सो खाने पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करें um, हम लोग मैं एक मील खाती हूँ पूरे दिन में एंड जो दूसरा सोने से पहले वाला होता है वो छोटू मोटू सा कुछ होगा या फिर नहीं होगा आई डोंट केयर क्योंकि आप बिना खाए भी सर्वाइव कर सकते हैं सो so, ज़्यादा खाने पे तवज्जो मत दें कोई भी नहीं है कि आप अपने आप को बिल्कुल ही बंद कर लें थोड़ा बहुत ट्राई कर सकते हैं इधर उधर बट ज़्यादा टाइम अगर आप अच्छा खाते हैं तो वनस इन अवाइल गलत भी खा सकते हैं पर कोशिश आपकी होनी चाहिए कि ज़्यादा टाइम आप अच्छी डाइट पे जाते हैं सो so, मेरी डाइट के लिए है कि मैं फास्टिंग करती हूँ एक ही मील मैं अच्छी गुड क्वांटिटी में खाती हूँ और दूसरा मील मेरा चिंगी मिंगी सा होता है एंड पेट मेरा खाली होता है जब मैं सोने के लिए जाऊँ मैं भरे हुए पेट से कभी सो नहीं पाती हूँ और मुझे पता है कि वो मेरे लिए अच्छा नहीं है खाने को अवॉइड करना है एंड अपनी ज़िंदगी में अच्छे खाने ऐड करने हैं एक और चीज़ है कि मैं सप्लीमेंट्स ले रही हूँ वो सप्लीमेंट्स मुझे बहुत हेल्प करते हैं उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस पर मैं ज़्यादा बड़ी एक स्पेशल वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैं सारे सप्लीमेंट शेयर करूँगी पर मेनली मैं खाती हूँ ओमेगा थ्री क्योंकि जो ओमेगा थ्री है वो बहुत अच्छा है आपकी आप बोन्स के लिए आपके इम्यून सिस्टम के लिए और आपकी बॉडी के लिए और आपको हेल्प करता है वो करने के लिए आलतू फालतू डिज़ीज़ से सो so, ओमेगा थ्री खाती हूँ मैं विटामिन डी खाती हूँ विटामिन डी बहुत अच्छा है आपके लिए और जब आपको रोमोटर्थराइटस होता है तो ज़्यादातर आप में विटामिन डी की डेफिशेंसी होती है लकीली मुझ में नहीं है पर फिर भी मैं विटामिन डी खाती हूँ एंड तीसरी चीज़ मैं खाती हूँ टर्मरिक टर्मरिक बहुत अच्छी है इन्फ्लामेशन को मिटाने के लिए क्योंकि ये जो रोमाटाइड है ये एक्चुअली इन्फ्लामेशन ही है अब आप कम खाएंगे फास्टिंग करेंगे अच्छी चीज़ें खाएंगे तो इन्फ्लामेशन कम हो जाती है और आपकी डिजीज अंडर कंट्रोल हो जाती है सो so, टर्मरिक बहुत अच्छा प्यारा रोल प्ले करता है उन सप्लीमेंट्स में सो so, उससे मैं खाती हूँ एंड uh, विटामिन डी को अच्छी तरह कंज्यूम करने के लिए विटामिन के भी खा लेती हूँ मैं जिंक भी खा लेती हूँ पोटासम भी सो इससे कि विटामिन डी की ज़्यादा मात्रा कंज्यूम हो पाए मेरी बॉडी में एंड ऑल्सो मैंने कुछ बहुत ही प्यारी सी हर्ब्स भी मेरी ज़िंदगी में शामिल की हैं वैसे वो पहले भी थी पर अब एक्स्ट्रा हो गई है उसमें है गार्लिक एंड जिंजर सिनेमन एंड थाइम थाइम की चाय पीती हूँ मैं एंड ब्लैक पेपर ब्लैक पेपर बहुत अच्छी है आपकी सेहत के लिए एंड जिंजर के लिए मैं क्या करती हूँ ऑर्गेनिक जिंजर को लेकर खूब सारा अच्छा क्रश करके खूब सारी अमाउंट में पानी में बॉयल कर लेती हूँ उसको इतना कड़वा सा पानी मैं सारा दिन वही पीती रहती हूँ उससे इन्फ्लामेशन में बहुत हेल्प होती है मैं काफ़ी ज़्यादा चुस्त दुरुस्त एंड प्रोडक्टिव फील करती हूँ सो so, ऐसे मैं हील कर रही हूँ मुझे और मैंने इफेक्ट देखा है अपने ऊपर कि सच्ची बहुत ज़्यादा हेल्प होती है सो so, अगर आप मेरी तरह इस डिज़ीज़ से जूझ रहे हैं तो ये चीज़ें ट्राई करें आपको ज़रूर से हेल्प होगा आपको अपने खाने पे कंट्रोल करना है अच्छी नींद लेनी है मेडिटेट करना है लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करना है अच्छे सप्लीमेंट्स खाने हैं एंड थोड़ा स्ट्रेचिंग करना है एक्सरसाइज करना है एंड यू आर गुड टू गो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा अगर आपके पास कोई अच्छी टिप है मेरे लिए तो ज़रूर से कमेंट बार में शेयर करना और अगर आप ये वीडियो ये चीज़ों को ट्राई करते हैं और आपको हेल्प करेगी तब भी मुझे ज़रूर से बताना मुझे बहुत अच्छा लगेगा एंड अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना कंसिडर करना मैं बहुत ही प्यारी वीडियोज़ बनाती हूँ मेरी कोशिश होती है एक्चुअली सो so मैं मिलूंगी नए वीडियो में तब तक लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों यू गा इज़ अ ब्यूटिफुल द वे यू आर स्टे हैप्पी कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग वे वाईस कैन डू एनी फ्री थिंग ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन दैट्स इट इजी पीजी लेव इजी आई लव यूज सो वेरी मच कैस मैंने ना एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी और उसमें ऑटो इम्यून कंडीशन के बारे में कहा गया था कि उन्होंने रिसर्च की है जो वो काइंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी पे थी कि जितने भी लोगों को रोमोटैरथराइटस है या कोई भी ऑटो इम्यून से कंडीशन है जब उनका इम्यून सिस्टम उन्हीं को हार्म करना शुरू कर देता है तो बहुत बार देखा गया है कि उन बच्चों का बचपन में कुछ ना कुछ ट्रजिक हुआ होता है एक या एक से ज़्यादा चीज़ें हुई होती हैं जो कि उनको बहुत हार्म करता है स्पेशली अगर वो चीज़ें सात आठ साल की उम्र से पहले हुई होंगी वो आपके आ, रूट चक्रा को इफ़ेक्ट करती हैं और जो रू, रूट चक्रा है वो मेजर रोल प्ले करता है आ, कि आपकी डिज़ीज़ में सो so, जो रूट चक्रा है वो पहला चक्कर है हमारे सेवन चक्रा में सो so, जब आपका रूट चक्रा खराब हो जाता है तो मेजॉरिटी ऑफ टाइम आपको इम्यून सिस्टम से रिलेटेड डिजीज़ हो जाती हैं सो so, वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपके बचपन में कुछ स्ट्रेजिक हुआ होगा सो so, जब आप अपने इनर चाइल्ड को हील करना शुरू करते हैं मेडिटेशन के ज़रिए तो उससे बहुत हेल्प होता है आपकी डिज़ीज़ में डिजीज़ आपकी थोड़ी थोड़ी अंडर 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 कंट्रोल होना शुरू हो जाती है अगर आप सवन है जो इस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं कि या मेरे बचपन में भी ये ट्रैजिक हुआ था तो शायद में भी वो है तो आपको मेडिटेट करना है अपने इनर चाइल्ड को हील करना है और अगर आपको किसी और बंदे ने हार्म किया है जिस भी बंदे ने या कोई ऐसी ट्रैजिक सिचुएशन हुई थी जो आपके कंट्रोल में नहीं थी उस बंदे को फर्गीव करना है और अपने बच्चे को भी फर्गीव करना है अपने इनर बच्चे को इससे बहुत हेल्प होती है ये एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है पर ये है इफेक्टिव और अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ हैं आप देख सकते हैं रूट चक्रा को हील कैसे करें रूट चक्रा अगर आपका गड़बड़ाया हो तो क्या क्या होता है जैसे मैंने आपको बताया ना कि मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी उनमें से एक ने इस चीज़ की तरफ भी मुझे डाइवर्ट कर दिया फिर मैंने ये चक्रास के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ी सो तो ये भी एक बहुत ही इफ़ेक्टिव चीज़ है अगर आप इस नज़रिए से देखना चाहते हैं साइंस के नज़रिए से हट के